कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हम सबको जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली आ चुका है हमारे सामने। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एप्पल का ब्रांड न्यू बैग जिसमें काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं डेफिनेटली अनबॉक्स करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं यार एप्पल के सितंबर इवेंट की, जो कि 14 तारीख को हुआ था, 14th of September को, जहां पे एप्पल ने लॉन्च करी एक नई आईफोन सीरीज, दैट इज 13 सीरीज, 13 मिनी, 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स। चार मॉडल्स लॉन्च करे जिसमें से यहाँ पे एक मॉडल है जो कि आप थंबनेल में देख के आए हो, वो मॉडल यहाँ पे है। तो आईफोन 13 मेरे पास है, जो कि मुझे लगता है सबसे प्रैक्टिकल मॉडल आईफोन का। मैं पर्सनली आईफोन XR यूज करता हूँ, जो कि मैंने 2.5 साल पहले लिया था, और मैं आई जस्ट लव दिस डिवाइस। मेरा कोई मन नहीं था इसको हटाने का, बट देन यार एक जंप जरूरी थी आईफोन XR से आईफोन 13, आई एम श्योर एक बहुत बड़ी जंप है। तो यार बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आईफोन 13 256GB वेरिएंट की अनबॉक्सिंग, जो कि है ब्लू कलर में, विच इज माय फेवरेट इस साल के लिए। डेफिनेटली आई एम इन लव विद दिस कलर बिकॉज इट इज सेट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल आईफोन एवर। मैंने जितने पर्सनली अभी तक वीडियोस देखे हैं मुझे बहुत प्यारा लगा है, एंड आई मेड द राइट चॉइस। ठीक है, आई एम रियली एक्साइटेड इसको खोलने के लिए, बट उससे पहले एक बार बॉक्स के दर्शन कर लेते हैं। बॉक्स काफी पतला हो चुका है, पिछले साल से आईफोन 12 की तरह काफी ज्यादा स्लिम हो चुका है। लॉकडाउन में बहुत डाइटिंग करी है इस बॉक्स ने, और इस बार बहुत अच्छी चीज हुई क्योंकि मैंने ब्लू आईफोन लिया है। तो यहां पे आप एप्पल का लोगो देख सकते हैं, वो भी ब्लू कलर का है। यहां आईफोन लिखा है, वो भी ब्लू कलर का लिखा है, विच गिव्स अ प्रीमियम फील। भाई एप्पल है, इतना तो मतलब बनता है। तो इसको साइड में रखते हैं, और भी सामग्री लिए हम देख लेते हैं वो क्या क्या है। एक एप्पल सिलिकन केस, सेम ब्लू जे कलर का, और आई गेस ये बहुत अच्छा जाएगा इस आईफोन पे। वेल टाइम विल टेल, अभी हम इसको भी लगा के दिखाएंगे आपको, तो इसको भी साइड रख लेते हैं। एक और चीज है हमारे पास जो कि है 20W पावर अडैप्टर, जो कि एप्पल का ओरिजिनल पावर अडैप्टर है। बिकॉज पिछले साल से ही एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया है बॉक्स में, इसीलिए बॉक्स इतने स्लिम हो चुके हैं, बिकॉज एप्पल एनवायरमेंट फ्रेंडली हो चुका है, दैट इज अ गुड थिंग। एंड इस बार एक और कदम आगे बढ़ चुका है एप्पल। अभी तक इसमें प्लास्टिक रैप आता था, बट इस बार कोई भी प्लास्टिक फील नहीं है, सो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप प्लैनेट को बचा रहे हो तो दैट इज अ गुड थिंग। तो दोस्तों ये हैं हमारे तीन नए प्रोडक्ट एप्पल के, जिसमें से डेफिनेटली आईफोन इज द मोस्ट एक्साइटिंग वन। तो इन दोनों को हटाते हैं और सबसे पहले बिना किसी देरी के अब आईफोन को अनबॉक्स करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्रीमियम केस है, डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम केस है, और जैसा मैंने बताया यहाँ पे आईफोन ब्लू कलर से लिखा है, यहाँ पे लोगो भी ब्लू कलर का है, विच गिव्स अ रियली प्रीमियम फील। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कैपेसिटी 256GB। ये इंडिया में इसका रिटेल प्राइस है 89,900, जो कि 90,000 रुपये है, और भी इसमें कुछ ऑफर्स लग जाएंगे तो आपको बेटर प्राइस मिल सकता है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, एक नया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एप्पल ने दिया है। इस फ्लैप को आपको यहाँ से खोलना होगा। ओ माई गॉड, नाइस यार, बहुत ही प्रीमियम फील होता है भाई एप्पल प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना। लाइक मैं 100 ऐसे एप्पल बॉक्स अनबॉक्स कर सकता हूँ, और दैट विल गिव मी अ फील गुड फैक्टर डेफिनेटली। यहाँ से हटा दिया है हमने, एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस भाई। ये है हमारा प्यारा सा आईफोन, काफ़ी ज़्यादा हल्का है बिकॉज मैं XR यूज़ कर रहा हूँ गाइज। प्लीज़ जो भी 12 यूज़ कर रहे हैं, आई नो ये 12 से 10 ग्राम भारी है, बट मैं XR यूज़ कर रहा हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा हल्का है। इसको साइड रखते हैं। बॉक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुआएं आती हैं हमारे लिए बॉक्स में, जो कि सी टाइप टू लाइटनिंग चार्जर है, केबल है सिर्फ, सॉरी चार्जर तो आपके पास यहाँ पे रखा है। और ये कुछ एप्पल की पुस्तकें, जिसमें से आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, कुछ 2-3 पन्नों की किताब, और ये एप्पल का स्टिकर। यार ये एप्पल का स्टिकर भी इसी कलर का होना चाहिए था, आई रियली फील अगर ये इस कलर का स्टिकर होता तो बहुत अच्छा लगता, बट नेवर द लेस एप्पल के स्टिकर काफ़ी होते जा रहे हैं सेम कलर के। भाई जो फील है ना, लिटरली बता रहा हूँ जो फील है। ये मैट फिनिश में आपका एल्यूमिनियम साइड पैनल है, बिल्कुल फ्लैट, और अगर आपके पास 12 है तो कोई आपको डिफरेंस समझ आएगा नहीं, बिकॉज 12 और 13 मोर और लेस सेम डिज़ाइन पे बने हुए हैं। बस यहाँ पे कैमरा बम्प आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, मेरे XR से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। XR में तो कुछ भी कैमरा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा कैमरा बम्प भी है, आप साइड से देखें अगर यहाँ पे, और कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कैमरा की, जो ये आप रिंग देख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ब्लू, सो काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन और डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। दिस इज़ ग्लॉस फिनिश डेफिनेटली, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी लग सकते हैं, बट उतने दिख नहीं रहे, सो दैट इज़ अ गुड साइन। बट हमने कवर ऑलरेडी ले लिया भाई, कवर के बिना आई डोंट टेक रिस्क बिल्कुल भी। इतना महंगा प्रोडक्ट लेके आपको कवर लेना ही चाहिए आई फील। नीचे वही सिंपल लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट जो है आपका, और स्पीकर, और आप खोलते हैं इसको जो कि प्यारी सी आवाज देगा। वाओ, ओह माय गॉड, हियर इज द न्यू आईफोन 13 गाइज। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको?
I literally love it यार, this is so beautiful. मुझे literally dummy लग रहा है इस time पे, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, and इसको खोलने का मन ही नहीं कर रहा मेरा. मुझे लग रहा है मैं ऐसे फ्रेम करा के रख दूँ. और इस बार अच्छी चीज़ है, 12 के साथ साथ iPhone 13 भी खड़ा हो सकता है, अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है iPhone 13. थोड़ा बॉडी की बात कर लेते हैं. बॉडी में यहाँ पे डेफिनेटली एप्पल ने थोड़ा सा नीचे कर दिया है पावर बटन, बट काफ़ी अच्छा फील है. दबा के देख लेते हैं, काफ़ी सही से दब रहा है, बढ़िया. और यहाँ पे है एप्पल का अलर्ट स्लाइडर और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर. बाकी बहुत ही क्लीन सा डिज़ाइन है, हम सबको पता है एप्पल ज़्यादा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में बिलीव करता है. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे XR से iPhone 13 में डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और पिछले 10 मिनट से हो रहा है. अभी लगभग 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट का और बचा है, तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट में सीमलेसली डेटा ट्रांसफर हो जाता है. तो जब तक डेटा ट्रांसफर होता है, तब तक हम एक काम करते हैं, अपने आईफोन के बैक केस को अनबॉक्स कर लेते हैं. और ये है आईफोन का एक सिलिकन केस मैगसेफ चार्जिंग के साथ, चार्जिंग सपोर्ट के साथ. और ये ब्लू जे कलर है, जो कि आई गेस इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा. और मैंने इसीलिए जेन्युइनली लिया है. इसको भी अनबॉक्स करते हैं, इसका भी कुछ ऐसा टेपिंग दी हुई है. एंड ये बहुत आराम से ओपन हो गया. ओके, नाइस यार, बिल्कुल सेम कलर है. मैं सोच रहा था कुछ थोड़ा सा 19-20 होगा, बट आई गेस ये बिल्कुल सेम कलर है. इसको हम लगा के देखते हैं. ओके, ये थोड़ा सा टाइट है यहाँ पे. अच्छा, एप्पल ने हमें ये भी बताया है कि ये कवर कैसे लगाना है. ओके, सो एप्पल हमें बेसिकली इतना बेवकूफ़ समझता है कि हम ये कवर कैसे लगाएं ये ना जानते हैं. बहुत बढ़िया एप्पल, नाइस. तो इसको लगा के देख लेते हैं. ओ, परफेक्ट फिट गाइज. यस, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गया है भाई. जैसा आप ये देखो, ये है आईफोन और ये है इसका कवर. सो यस, दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस. बहुत ही बढ़िया कलर चूज़ करा है हमने यहाँ पे आईफोन का. और पूरा जो फील है ना यार, जो इसकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप इसको लेके कहीं चल सकते हो अच्छे से, आपकी जेब वेब में भी ये सही रहेगा. एंड कैमरा बम्प भी अच्छा दिया हुआ है, कैमरा के ऊपर भी बम्प है, तो इसलिए कैमरा भी प्रोटेक्टेड है और स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर बम्प है, तो यानी स्क्रीन भी प्रोटेक्टेड है अगर आप इसको ऐसे रखते हो. सो यस, दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस यार. ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये 4900 रुपीज़ का केस है एंड विद मैगसेफ चार्जिंग है. यहाँ पे एक मैग्नेट होगा जो आप मैगसेफ चार्जर, जो कि मैंने अभी तक तो परचेज़ नहीं करा है, बट मे बी सम टाइम इन फ्यूचर अगर मैं मैगसेफ यूज़ करता हूँ तो ये उसके साथ भी जाएगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. बट आई फील इतना महंगा है, लेकिन एप्पल क्वालिटी देता है तो क्वालिटी के लिए हमने ले लिया. दिस इज़ डेफिनेटली माई फर्स्ट टाइम एवर ट्राइंग एन एप्पल केस. सो लेट्स सी ये कैसा होता है. इसका कुछ टाइम बाद में, मे बी 6 महीने बाद या 1 साल बाद, इसका मैं रिव्यू ज़रूर डालूंगा, बिकॉज बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये लिया है और बहुत डर के मैंने ये लिया है. सो लेट्स सी ये कैसा काम करता है. आप देखते हैं फ़ोन एक्टिवेट होने के बाद क्या कुछ है इसमें, क्या नए फीचर्स हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा कैमरा है. कैमरा के लिए मैं पर्टिकुलरली बहुत एक्साइटेड हूँ. तो दोस्तों, हमारा एक्टिवेशन प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फेस आईडी से ये खुल भी रहा है. अभी ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं, बट ये पूरा मेरा पुराना मोबाइल बन चुका है. तो दोस्तों, मैं कुछ बढ़िया कैमरा टेस्टिंग करके, कुछ वीडियो बना के, कुछ सेल्फी वीडियोज़ बना के, सिनेमैटिक शॉट्स लेके और फोटोज़ भी खींच के डेफिनेटली अब डालने वाला हूँ. तो आप देख लो कि iPhone 13 का जो कैमरा अपग्रेड है वो कैसा है. थोड़ी और
डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली सबने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि यहाँ पे डायगनल कैमरा का अरेंजमेंट दे दिया गया है, जो कि पहले आईफोन 12 में सीधा हुआ करता था, यहाँ पे वर्टिकल हुआ करता था। और थोड़ा जो कैमरा का लेआउट है ये भी काफी बड़ा हो चुका है, आईफोन 12 के मुकाबले भी ये बड़ा हो चुका है, और इसमें सेंसर्स भी बड़े कर दिए गए हैं। और यहाँ पे सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में आप देखते थे, दो उसका उतना बड़ा यूज आता नहीं है। नॉर्मली वीडियो में भी आपको स्टेबल दिखेंगे वीडियोज, बट देन डेफिनेटली एक अपग्रेड बहुत जरूरी था और वो आ चुका है इसमें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। एप्पल क्लेम कर रहा है कि आईफोन 12 के मुकाबले इसका बैटरी बैकअप 2 से 2.5 घंटा ज्यादा होगा। तो दैट इज अ रियली गुड साइन यार, दैट इज अ रियली गुड स्टेप, बिकॉज इसमें क्या करा है इन्होंने, इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें आईफोन 12 के मुकाबले, मैंने अपने दोस्तों का आईफोन 12 चलाया है, सो येस आई कैन फील दैट बहुत ही मिनिमल थोड़ा सा मोटा कर दिया है आईफोन को, यहाँ पे ज्यादा मोटा नहीं, थोड़ा सा मोटा कर दिया है। बट इतना मोटा करने से सिर्फ 10 ग्राम वेट बढ़ा है आईफोन का और 2 से 2.5 घंटा बैटरी लाइफ। सो डेफिनेटली यार इतना मोटा करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बैटरी लाइफ इज वन सच थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आईफोन्स में बैटरी की वजह से आईफोन बिकना बंद हो गए थे, लेकिन अब आईफोन ने बहुत बड़ा लीप लिया है और बैटरी पे बहुत फोकस करते हैं। तो यार ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो अभी तक जितना मैंने इसको चलाया है इस फोन को, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। A15 बायोनिक चिपसेट यूज करा गया है, जो कि कहा जा रहा है अभी तक का सबसे फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल चिपसेट है जो कि किसी स्मार्टफोन में यूज करा गया है। सो डेफिनेटली इसमें हो गई यार, एप्पल हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। इस बार मुझे स्पीड में कुछ खास डिफरेंस तो समझ नहीं आ रहा है, XR से तो बहुत ज्यादा समझ आ रहा है, बट देन फिर वही बात है, आईफोन 12 और 13 में कंपेयर करा जाए तो उतना खास डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा तो बेटर लगेगा ही। और सबसे बड़ी चीज है इसमें ब्राइटनेस बहुत अच्छी दी गई है, जिसकी पीक ब्राइटनेस में ये 1200 निट्स तक परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसको बाहर लेके जाते हो दिन के टाइम भी तो भी आपको कोई ब्राइटनेस में इशू नहीं आएगा। तो यार अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, कि वेदर यू शुड अपग्रेड टू दिस आईफोन और नॉट, आईफोन 13 पे आप अपग्रेड करें या ना करें। तो मेरा कहना यही है यार, अगर आप 10 सीरीज या 11 सीरीज यूज कर रहे हो और आप आईफोन के जेन्युइनली प्रेमी हो, तो डेफिनेटली ये अपग्रेड बहुत बड़ा अपग्रेड है आपके लिए, आप डेफिनेटली इसमें आओ और आप बहुत खुश रहोगे इस अपग्रेड से। जितना भी पैसा आपने लगाया है दैट इज वर्थ इट, मेरे लिए तो वर्थ इट है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आईफोन 12 सीरीज है, 12 सीरीज का कोई भी फोन है और अच्छा खासा चल रहा है और आपको नॉर्मल रोजमर्रा में नॉर्मल यूसेज है, तो आई वुड से कि वेट कर लो, नेक्स्ट ईयर आईफोन 14 आ जाएगा, उसको अपग्रेड कर लेना। मे बी वहाँ पे डिजाइन डिफरेंस हो, कुछ और डिफरेंसेस होंगे उसमें, बेटर अपग्रेड्स होंगे, बिकॉज एज सच आईफोन 12 13 में उतना बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, कैमरा का डायगनल शिफ्ट है, कैमरा बेटर करा गया है, बैटरी लाइफ बेटर करी गई है, बट इसके लिए इतना ज्यादा पैसा लगाना आईफोन 12 से 13 में वो मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है। बट आपका पैसा है, आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था यार हमारा आईफोन 13 की अनबॉक्सिंग, आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, आई होप मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आपको भी मजा आया होगा देखने में। एंड अगर आया है तो प्लीज यार कमेंट करके बता दो आपको कैसा लग रहा है, स्पेसिफिकली ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आईफोन आई हैव एवर सीन लिटरली। बहुत लोगों का मैंने सुना है, बहुत लोगों ने मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत लोगों ने बोला है कि ये जो ब्लू इस साल का आया है दैट इज मोर लाइक अ फ्रेंच ब्लू, और ये बहुत बड़ा बेहतरीन कलर अपग्रेड है आईफोन की तरफ से, एप्पल की तरफ से। तो आप भी बता दो अपने थॉट्स, आपको कैसा लगा ये ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, एंड अपने थॉट्स आईफोन 13 के लिए, एप्पल के लिए, जो भी आपको मन करे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो सो दैट एल्गोरिथम में हम थोड़ा ऊपर रेट कर लें, थोड़ा और शेयर कर दो वीडियो को, एंड हम भी ऐसे ही आते रहेंगे दोस्तों। ये टेक चैनल नहीं है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं व्लॉगर हूं, मैं व्लॉग बनाऊंगा। मैंने सोचा ये एक मेरा बहुत बड़ा लाइफ अपडेट था, सो आई वॉन्टेड यू ऑल टू नो दिस, एंड दैट इज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल then take care, bye bye.